आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये एक ऐसा विषय है जो सामान्य रूप से सोशल साइंसेस या दूसरे जो विषय हैं आर्ट्स के, उनके लिए ये बड़ा विचित्र सा लगने वाला विषय है। और ऐसा क्योंकि हम लोगों को शुरू से पढ़ाया और समझाया गया है कि एक विषय के लोग दूसरे विषय के लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता और हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैम प्लीज। सर, सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूँगी एसडी कॉलेज अम्बाला और जो सेंटर रिसर्च सेंटर है पंचकुला, जिन्होंने बहुत अच्छा ये आज प्रयास किया। मैं संस्कृत को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं, जैसा शुरू में ही कन्वीनर साहब ने कहा कि लैंग्वेज की बात नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई एक विचारधारा है, वे ऑफ लाइफ है, लिटरेचर है इसके साथ जुड़ा हुआ, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संस्कृत बहुत अच्छे से दर्शाती है, दिखाती है। गूढ़ रहस्य जीवन के हमें संस्कृत से पता चलते हैं। मैं कई बार महसूस करती हूँ कि मैं संस्कृत नहीं समझ पाई, लेकिन आजकल फॉर्चुनेटली ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं, तो मैं प्रयास करती हूँ उसको जानने का। संस्कृत में जब मैं ये तीन छोटे छोटे श्लोक ही पढ़ती हूँ और बच्चों के साथ हमेशा साझा करती हूँ, 33-34 साल से मैं टीचिंग में हूँ, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जब हम पढ़ाई के एरिया में आई गए टीचिंग में, तो हमें सबसे पहले तो इस तमस को भी जानना है, तमस से हम परमात्मा से कह रहे हैं कि हमें ज्योति की तरफ ले जाइए। तो आज का ये सारा व्याख्यान हमारा कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो डिसिमल साइंस, शुरू से ही कहा था किसी क्रिटिक्स ने कि जब एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की कि धन कैसे कमाया जाए और कंट्रीज कैसे रिच बन जाएं, तो किसी ने कहा ये तो बड़ी ब्रेड एंड बटर साइंस हो गई और डिसिमल साइंस है, कुबेर की पूजा सिखा रही है साइंस। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर हम जिंदगी में, मेरा अध्यात्म की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं गुरबानी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, और चाहे वो संस्कृत में हो या गीता के श्लोक देख लें या गुरबानी के देख लें, बात सबको पता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, बात सबकी एक ही निकलती है, अस्तो माँ सद्गम्य। तो जो हमारा लाइफ में सच क्या है और झूठ क्या है, हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड है और जिसके पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में, वो कहाँ खड़े हैं और असल सच कहाँ पे है, प्रत्यक्ष से परोक्ष की तरफ मैं जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ। तो इकोनॉमिक्स तो मेरा विषय है ही, जिससे मेरी रोजी रोटी जुड़ी है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के बेसिक जब भी फर्स्ट ईयर को पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मैं उनके साथ ज़रूर ये बात करती हूँ। इकोनॉमिक्स की सर स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, वो लिमिटेड हैं और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमें सोल्यूशन ढूंढना है इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो मैं उनको कहती हूँ थ्योरी गलत है, वी हैव टू टर्न इट अपसाइड डाउन, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमें अपनी वांट्स जब हम अनलिमिटेड रख के चलेंगे तो इकोनॉमिक्स हमें कभी सोल्यूशन नहीं दे सकती है। जब हम अपनी वांट्स को नीड्स में कन्वर्ट करेंगे, और नीड्स हमें पता होनी चाहिए, नीड्स एंड वांट्स के बीच में भी डिफरेंस है, वांट्स हमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। मैंने कहीं पढ़ा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, नीड्स तो सर बॉडी से रिलेटेड हैं, फूड क्लोथिंग शेल्टर हमें चाहिए, और डिसेंट लिविंग के लिए हमें एजुकेशन भी चाहिए, ह्यूमन बींग बनने के लिए, ह्यूमन बींग अपने आप को समझने के लिए, अपनी मेंटल फैकल्टीज डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए। ये पांच चीज़ों को मैं कहती हूँ ये बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं हमारी बायोलॉजिकली, इनको हम बैड कहते हैं। तो हमें फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ चाहिए, लेकिन मुझे अब मोबाइल चाहिए, मुझे अब गाड़ी चाहिए, मुझे अब बड़ा घर चाहिए, मुझे अब प्रॉफिट्स चाहिए, मुझे अब बैंक बैलेंस बहुत बड़ा चाहिए, और मुझे सक्सेस में नंबर वन चाहिए, ये है सैड। सोशली एक्टिवेटेड डिज़ायर्स, समाज को हम देख के एक दूसरे को अपनी डिज़ायर्स और नीड्स का दायरा और वांट्स के दायरे में चले जाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाकई ही, इकोनॉमिक्स हैज फेल्ड अस, इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन जो बनाया गया, जो उसके लॉज हैं, जो थ्योरीज हैं,
शुरू से ही हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक मार्केट इकोनॉमी काम करती है और एक इनविजिबल हैंड है। ऐसा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर आप अपने लिए अच्छा करेंगे, एवरी इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय हिज और हर सेल्फ इंटरेस्ट, तो अगर आप अच्छा करेंगे अपने लिए और ए भी अच्छा करेगा, बी भी अच्छा करेगा और सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होंगे, तो अल्टीमेटली द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी विल ऑल्सो बी मैक्सिमाइज्ड। मतलब हर बंदा अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, तो समाज का इंटरेस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। बट दिस अजम्पशन एंड दिस रैशनैलिटी, ये आई मीन अल्टीमेटली हम देख रहे हैं जिंदगी में ट्रू नहीं हो रही है। मैं जहाँ पे अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं दूसरों के इंटरेस्ट को हार्म पहुँचा रही हूँ। अभी सर बात कर रहे थे मेन वक्ता हमारे कि लेबर जो है वो उसकी उसकी वैल्यू हम करते ही नहीं है लेबर की, और कैपिटलिस्ट जो है लेबर एंड कैपिटल के बीच में कैसा कन्फ्लिक्ट आता रहता है। कॉरपोरेट सेक्टर हमारा कितना प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहा है, कितनी कॉम्पिटिशन रहती है कि हमारा नंबर वन होना चाहिए, और सारी कंट्रीज देख लीजिए, वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम 5% बढ़ गई, 6% बढ़ गई, 5.2, 5.3 में भी झगड़ा होता है। तो मैं उस पॉइंट्स को भी कभी कभी समझने की कोशिश करती हूँ कि जो नीचे के लेवल पे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड में, उनको क्या असर पड़ रहा है, 0.5 बढ़ गया है या 0.5 घट गया है, क्योंकि उनकी सिचुएशन मैं देखती हूँ वहीं की वहीं रहती है। तो सर इकोनॉमिक्स जो है ग्रोथ की तरफ जा रही है, जीडीपी की तरफ गई है, इनकम्स की तरफ गई है, इल्यूजन की तरफ गई है, कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, देशों में हमारा नाम हो जाए, कंपनियों में हमारा नाम हो जाए, इंडिविजुअल्स अपना सबसे रिचेस्ट कौन से 50 और रिचेस्ट कौन से 100 बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो इस मटीरियल वर्ल्ड की है, और है तो सोशल साइंस, है तो समाज के लिए, है तो लोगों के लिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए। लॉज होने चाहिए थे, या उसकी फिलॉसफी होनी चाहिए थी, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। बट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज दैट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दे हैव रियली मेड अस इनसेन, और हम अपनी पीस ऑफ माइंड और ह्यूमैनिटी को कहीं ख़त्म कर बैठे हैं सभी। और ऐसे हालात में स्पिरिचुअलिटी का, चाहे वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, चाहे वो गीता की फिलॉसफी हो, चाहे किसी भी और मेरे हिसाब से रिलीजन की हम बात करें, तो उसमें एथिक्स एंड मोरालिटी का बहुत रोल आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एथिक्स और मोरालिटी की बात इकोनॉमिक्स में नहीं की गई, और मींस की बात हमने नहीं की, हमने एंड्स की बात की है। मुझे यहाँ पे गांधी जी याद आ जाते हैं, वो कहते हैं गोल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, लेकिन गोल्स के साथ साथ तुम्हारे मींस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डू यू अचीव योर गोल्स, योर मींस हैव टू बी वेरी प्योर। अगर मींस प्योर नहीं है तो गोल्स भी प्योर नहीं हो सकते, फिर गोल्स से भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। अगर आप हर टाइम आई मीन प्रॉफिट्स और प्रोडक्शन और जीडीपी की बात कर रहे हैं, एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर पीपल, लेबर, इंडिसेंट जॉब्स है सर आज देख रहे हैं आप। अब प्रोडक्शन कंपनीज की बात मैं क्या करूँ, आप और हम सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं सर, और आप देखिए कि एजुकेशन में ही हमारी कमर्शलाइजेशन कितनी ज़्यादा है। जिन प्रोफेशंस को हम नोबल प्रोफेशंस कह रहे थे मार्केट्स ने उनका क्या हाल कर दिया है, आप मेडिसिन में और एजुकेशन में देख सकते हैं कितनी गिरावट आई है मार्केट्स की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से। क्योंकि एजुकेशन में डिमांड एंड सप्लाई का अगर रूल काम करेगा तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है और आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता है किसी अच्छे स्कूल में जाना, अच्छी पढ़ाई पा पाना। मेरे इस संवेदनशील हृदय की वजह से और इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से सोचने की वजह से एक मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी से रहा, और मैं उसको इंटरेस्ट इस तरह से भी कह सकती हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस मैं नहीं करती हूँ, वो करवाने वाला वही है, मुझे मैं नहीं यूज़ करना। और दूसरा, मैं कोशिश की, मैंने पिछले 15 सालों से एक समाज के जो पुअर बच्चे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके लिए मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, और अपने तरीके से ही मैंने उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है। बच्चों को नर्सरी क्लास से पकड़ के सर मैंने कॉलेज तक पहुँचाया है, और अभी भी मैं वो काम करती हूँ कॉलेज के काम के साथ साथ। वो बेसिकली एक संवेदनशील हार्ट पैदा करना, एक संवेदना जागृत करनी समाज में बहुत ज़रूरी है। तो उसमें इकोनॉमिक्स ने नेचुरली हमें डेफिनेटली फेल किया है। तो जो मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर एजुकेशन एक्सपेंसिव है, हेल्थ और उससे रिलेटेड सर्विसेज बहुत महंगी हैं, तो फिर डॉक्टर्स बन गए, टीचर्स बन गए, एंड यू हैव पेड सो मच ऑफ फी, एंड नाउ यू हैव टू रिकवर दैट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स और फ्रॉम योर
पेशेंट्स, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि समाज में शांति होगी, पीस होगी, या बुद्धा के जो मेन टेनेंट्स हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, उसमें कंपैशन बहुत बड़ा है, लव बहुत बड़ा है, नेचर के साथ कनेक्ट बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं नहीं सोचती कि आज हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमने कितना नुकसान कर दिया है मानव मूल्यों का, समाज का, वातावरण का, अपने आप को उनसे अलग जोड़ तोड़ लिया है हमने। हम समझ रहे हैं कि शायद हम सेंटर हैं यूनिवर्स का, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, और शायद हम सबसे सुप्रीम हैं। पर ये जो यूनिटी है, अगर इसको हम भूल जाएंगे फ्लोरा एंड फौना के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, स्थूल और सूक्ष्म जिसकी भी बात करिए, मैं गुरबानी पढ़ती हूँ, उसमें एक बड़े सारे शब्द हैं, भजन हैं, वो कहते हैं सभ्य घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, सभ्य घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चींटी, पाजन है बहु नाना रे। कि चींटी का और हाथी का वो सब उसके अंदर एक ही चीज़ है। अगर चींटी और हाथी और पेड़ और पानी और जल और हवा सबके बीच में वही है, तो हम उसको कैसे पोल्यूट कर सकते हैं, हम उसे कैसे खराब कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखिए सर, 19th सेंचुरी में या अर्ली 20th में एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स कोई इशू ही नहीं था, लेकिन आजकल अब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कॉस्ट बेनिफिट्स, एनवायरमेंट को हमने इतना पोल्यूट किया, फिर उसे रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट्स बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, वापस वो चीज़ें दोबारा से आ ही नहीं सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम कोऑपरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखें, इकोनॉमिक्स कंपटीशन पर बेस्ड है, इफ वी लर्न टू कीप कोऑपरेशन अबव कंपटीशन, इफ वी कीप कंपैशन अबव अनलिमिटेड कंजम्पशन। अब मेरी कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी है सर, अभी बात कह रहे थे सर, आप पहले देखिए कि हम कहते थे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जरूरत पैदा होती है तो फिर इन्वेंशन होती है, लेकिन आजकल कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी ऐसी हो गई है कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, कि अब इन्वेंशन हो गई चीज़ की, अब उसको इतना पब्लिसाइज किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, कि अब हमें लगता है मेरा तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है, हम रह ही नहीं सकते इसके बिना, वो हमारी नेसेसिटी बन जाती है। कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी, इसमें वॉन्ट्स हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इफ़ वी कीप कंपैशन अबव अनलिमिटेड कंजम्पशन, लव अबव हेट्रेड, एंड पीपल प्लैनेट एंड पॉजिटिविटी अबव प्रॉफिट्स, अगर हम इस प्लैनेट का ध्यान रखें पॉजिटिविटी के साथ, और लोगों का ध्यान रखें, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों से हम काम करा रहे हैं, उन लोगों को हम यूज़ नहीं करें, उनको हम टूल्स नहीं समझ लें, तो मेरे ख्याल से ह्यूमन रेस को हम थोड़ा सा रिडीम कर सकते हैं। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, मुझे जैसे कल पता चला कि ऐसा ये व्याख्यान SD कॉलेज में हो रहा है, और मेरे से भी कहा जा रहा है कि मैं थोड़े अपने विचार व्यक्त करूं, तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स कोई मटीरियल वेलबींग के अगेंस्ट नहीं है। फिजिकल प्लेयर्स ऑफ लाइफ ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो अटैचमेंट है इनके साथ मटीरियल के साथ, ये बहुत हमारे लिए बुरी साबित हो गई। तो स्पिरिचुअलिज्म को, एथिक्स एंड मोरालिटी को जब तक हम इकोनॉमिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सोसाइटी हमारी आगे भी बहुत नीचे जा चुकी है, बहुत कंसर्न का विषय है। जैसे अभी रिवर्स माइग्रेशन देखी हमने, हमें एक्सप्लॉइट करने की हमें पता ही नहीं चलता है सर कि हम क्या कर क्या रहे हैं। मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी डेवलप करना हमारे एजुकेटर्स का सबसे बड़ा एक रोल होना चाहिए। अब मैं जब भी क्लास में बात करती हूँ, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, 2-4 मिनट और लूँगी, बात ख़त्म करूँगी। सेंसिटिविटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अब सेंसिटिविटी कैसी है कि मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत, मैं हर एक कोई कहता है, किसी से पूछिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इतने सेंसिटिव है, मुझे कोई कहा जाए बुरी बात तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा किया मुझे उसका पता नहीं चलता है, ना शब्दों से, ना भावों से, ना अपने एक्शन से। तो जब हमारे में वो सेंसिटिविटी हम बच्चों में डेवलप करें, व्हाट इज मेंट टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव इज व्हेन यू फील पेन एंड बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, आपके भाव की वजह से किसी को दुख पहुंचा है, अगर आप उसको दुख माने कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा और आपको भी दुख हो जाए, वो सेंसिटिविटी है। मेरे को तो कोई कुछ कहता है तो वो तो सेंसिटिव सभी लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई कैसी करवा रहे हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम विषय कैसे पढ़ा रहे हैं, और ये जो आप इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं होप करती हूँ कि इसमें अच्छी चीज़ें निकल के आएँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, और हम बच्चों को
इंडियन जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, उनके साथ जोड़ के लेके चलें। ये नहीं कि बिजनेस कोऑपरेशन के बेसिस पे चल नहीं सकते। वो सेवा का काम किया एला भट्ट ने, गुजरात में शुरू किया, और आप देखिए उसकी कितनी सारी शाखाएं और लाखों वुमेन को उन्होंने एम्पावर कर दिया। वर्गीस कुरियन ने मिल्क की रेवोल्यूशन ले आए, अमूल को स्थापित कर दिया। तो बिजनेसेस जो हैं और इकोनॉमी जो है वो कोऑपरेशन के बेसिस पे भी चल सकती है, सहयोग के बेसिस भी चल सकती है। गांधी जी की भी फिलॉसफी थी सेल्फ सफिशिएंट रूरल एरियाज को, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसमें काम कर रहा है। तो आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि बिग कॉरपोरेशन और MNCs और विदेशों से साथ हमने काम करके ही उस पॉलिसी को ही इंडिया में लेके आना है, बल्कि अगर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से एक मोड़ देने की कोशिश करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडियन ट्रेडिशंस के अनुसार इसको चेंज करें, मोल्ड करें, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स और बुद्धिज्म दोनों बहुत अच्छा एक संगम हो सकता है। और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी। एक प्रैक्टिसिंग मॉन्क हैं वियतनाम के, थिच नैट हैंड, जिनको कि थे कहते हैं ज़्यादातर लोग थे के नाम से, मैं उनकी बहुत पढ़ती रहती हूँ उनकी बातों को, और वो फादर ऑफ इंगेज्ड बुद्धिज्म कहे जाते हैं। इंगेज्ड बुद्धिज्म का मतलब है कि वो माइंडफुलनेस की बात तो करते हैं, अवेयरनेस की बात तो करते हैं, मेडिटेशन की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो सोशल एक्शन में भी बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है, और ये कहा है कि हमें वही कि जो परमानेंट चीज़ है वो है हमारे एक्शंस, वो रहेंगे, वो मेरी थिंकिंग वो रहेगी, लेकिन ये बॉडी नहीं रहेगी, मटीरियल वर्ल्ड नहीं रहेगा। तो मटीरियल बॉडी से ऊपर उठ के अगर हम अपनी स्पीच, अपनी थिंकिंग, अपने एक्शंस, और ट्रूली हम माइंडफुल हो जाएं, अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, तो हमारी सोसाइटी बहुत हैप्पीनेस की तरफ जा सकती है। तो हैप्पीनेस को ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। इफ़ वी फॉलो बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो बुद्धा की फिलॉसफी बहुत ग्रेट है सर, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो मैं इसी शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे इस मौके पे, और ये सारी बातें मेरे हृदय के बड़ी क्लोज हैं, ये मैं एक्शन में लेके आई हूँ, और मेरा लाइफ का यही एक मोटो भी है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज, नॉट गेनिंग नॉलेज, बट राइट एक्शन ऑल्सो। तो राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच अगर हमारी होगी, और टीचर्स हमारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में आजकल मैं देख रही हूँ MBA के कोर्सेज में एथिक्स का और मॉरल वैल्यूज का एक पेपर भी लगाने लग गए हैं। तो बिजनेस हो, एथिकल तरीके से हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी आगे बढ़े, नॉट बाई एक्सप्लॉइटिंग पीपल एंड प्लानट एंड रिसोर्सेज, बट उनको भी साथ में बचाते हुए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी रखे हैं, 2030 तक उनको अचीव करना है, और उनमें भी सारी यही बातें हैं कि पावर्टी दूर हो, हंगर दूर हो, ये बेसिक चीज़ें हैं, तब इकोनॉमिक्स हम सक्सेसफुल मानेंगे। तो इकोनॉमिक्स का समावेश, इकोनॉमिक्स के समावेश में मेरे हिसाब से ये चीज़ें आनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, जो एथिकल कंटेंट है, जो मॉरल कंटेंट है, ये बहुत इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता जी। मेरी आवाज थोड़ी गूंज रही है, हेलो सर, आ रही है? ओके, आपने जो बात रखी हमारे साथ, जो शेयर की है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वाकई उसकी अपेक्षा भी हमें है। एक सेंसिबल इकोनॉमिक मैन, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसका फॉर्मेट क्या हो, ये इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और आपकी इस बात के लिए मैं प्रशंसा करता हूँ कि जो कुछ आप संवेदनशीलता के स्तर पर अनुभव करते हैं उसको आप एक्शन में भी लाते हैं। कुल मिलाकर के यही बुद्धिज्म है कि उस संवेदनशीलता को हम ट्रांसलेट कर सकें अपने एक्शंस में, और सोसाइटी के प्रति हम अकाउंटेबल हों, तो इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। आप बाकी आप प्रशंसा के योग्य हैं, और मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला हमारे लिए, और इस विषय को सुना भी, और इसके ऊपर आपने एक विस्तार से चर्चा भी की है। तो निश्चित रूप से इसमें कई संभावनाओं को और जन्म दिया है आपने। तो अगला जो विषय रखेंगे, अगली बार जब भी हम बात करेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी कुछ और नई डायमेंशंस को देखेंगे कि हम और कौन सी सीढ़ियां आगे डेवलप कर सकते हैं, कौन से आगे आयाम इसमें ढूंढ सकते हैं।